फॉर्मूला देखिए क्या बनेगा, वो हम यहाँ पे ट्राई करते हैं। तो हमारा जो फॉर्मूला बनेगा a इज इक्वल टू बी प्लस वन बाई वन प्लस आर टू द पावर, ये हमारा फॉर्मूला बन जाएगा। दिख रहा है आपको a इज इक्वल टू पी ब्रैकेट ऑफ वन प्लस आर बाई हंड्रेड टू द पावर n। ये क्या है, एन ईयर्स के लिए। ये जो फॉर्मूला हम लोग यूज कर रहे हैं वो क्या है, एन ईयर्स के लिए। मतलब क्वेश्चन में जितना भी ईयर्स दिया जाए यह हम लोग फॉर्मूला से अमाउंट निकाल सकते हैं। समझ में आ रहा है सबको ना? अब अगर अमाउंट निकाल सकते हैं तो हमारा सी आई कितना होगा बोलो? तो सी आई का फॉर्मूला क्या पता है हम लोग को, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, बोलो ये पता है ना? अच्छा ये हाँ सारे टर्म्स आप लोगों ने कॉपी कर लिया तो? यस सर। तो इरेज कर दे रहे हैं हम लोग फिर, हम लोग यहाँ पे इरेज करते जा रहे हैं। सबको समझ में आ गया नहीं ये कॉन्सेप्ट, कैसे बना ये फॉर्मूला? डेरिवेशन देखी है आप लोगों ने? यस सर। ठीक है, तो देखो अब सीआई का फॉर्मूला हम लोगों को क्या पता है, ए माइनस पी, मतलब अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अब ध्यान से देखिए क्या कॉन्सेप्ट मैं बता रहा हूँ कि सीआई इज इक्वल टू हमारा अमाउंट क्या है बोलो, ये वाला फॉर्मूला पी ब्रैकेट ऑफ वन प्लस आर बाय हंड्रेड टू द पावर एन माइनस प्रिंसिपल। फिर क्या होगा हमारा, पी लेंगे हम लोग। तो हमारा यहाँ पे चेक करो सी आई का फॉर्मूला क्या बनेगा, P यहाँ पे हम लोग कॉमन लिए तो 1 प्लस आर बाई हंड्रेड टू द पावर n माइनस 1। देखो ये समझ में आ रहा है, ये फॉर्मूला समझ में आया? यस सर। यस सर। और ये हमारा अमाउंट का फॉर्मूला समझ में आ गया हम लोग। है ना, अगर ये दोनों ही कॉन्सेप्ट आपको आपको क्लियर हो गया है तब हम लोग क्या कर रहे हैं, एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा सबको? यस सर। हेलो, सबको समझ में आ रही है? यस सर। तो ये कॉन्सेप्ट डेरिवेशन हम लोगों ने देख लिया, समझ में आ चुका है ना? अब हम लोग क्या करते हैं बोलो, अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस को कॉन्सेप्ट को समझते हैं। देखिए जितना भी टॉपिक हम लोग कवर करते जाएंगे कोशिश करेगा बुक से सारे टॉपिक को कवर कर सॉल्व करने का। ठीक है, जो जो नहीं होगा थोड़ा सा याद दिला दीजिएगा हम लोग को। चलो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं कुछ क्वेश्चन के, देखते हैं यहाँ पे मान के चलो। ठीक है, हम लोग यहाँ पे कुछ क्वेश्चन देख रहे हैं। बोला जा रहा है कैलकुलेट द अमाउंट। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है, क्या बोला जा रहा है, कैलकुलेट द अमाउंट, कैलकुलेट द अमाउंट ओके ऑन रुपीज 7500 ओके In 2 years, in 2 years, and at 6% compound interest, ठीक है? And 6% compound interest, क्या एक क्वेश्चन बनेगा आपसे? देखिए तो, ये क्वेश्चन बनेगा आपसे क्या? क्या यहाँ पे क्या निकालना है बोले तो? कैलकुलेट द अमाउंट, हमारा 750 यहाँ पे क्या दिया गया बोलो, 750 क्या दिया है हमारा, प्रिंसिपल, यहाँ पे टाइम दिया गया आपके पास 2 years, और हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 6। तो आपके पास क्या क्या गिवन है, पी गिवन है, आर गिवन है, और टाइम टी गिवन है। यहाँ पे टाइम टी को हम लोग एक्चुअली यहाँ पे टाइम जो है हम लोग यहाँ पे टाइम को एन में इंडिकेट कर रहे हैं। ठीक है, तो हमारा एन जो है वो 2 years दिया हुआ है। समझ में आ रहा है सबको? हाँ सर। प्रिंसिपल जो है रुपीज 7500 है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 6%। तो क्वेश्चन में बोला है अमाउंट निकालने के लिए, अमाउंट निकाल पाएंगे आप? देखिए अमाउंट का फॉर्मूला क्या है, पी ब्रैकेट ऑफ वन प्लस आर बाई हंड्रेड टू द पावर एन होगा। हाँ सर होगा। तो अमाउंट इज इक्वल टू, देखो प्रिंसिपल हमारा क्या है 750, मतलब सॉरी 7500, वन प्लस आर का वैल्यू कितना है 6/100 टू द पावर, यहाँ पे एन का वैल्यू हम लोग क्या लेंगे 2 लेंगे। ठीक है, यहाँ पे एन का वैल्यू हम लोग क्या ले रहे हैं 2 years। समझ में आ रहा है सबको?
तो सिंपली इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, तो ये 1 प्लस 6500 को अगर हम लोग सॉल्व करें पहले, ठीक है, जस्ट एक क्या है एडिशन है, इसको अगर सॉल्व करें आंसर आ जाएगा 106/100, है ना, तो होल टू द पावर 2 ऐसे लिख सकते हैं इसको, 1 + 6/100, तो अगर हम लोग सॉल्व करेंगे आंसर कितना आ जाएगा 106/100, और इसका पावर में कितना दिया गया था 2, तो यहाँ पे हम लोग 2 लिख सकते हैं। बोलो समझ में आया सबको? अब यहाँ पे देखो क्या होगा, 500 और यहाँ पे 106/100, फिर यहाँ पे 106/100, तो चेक करो इसका 20, इसका 20 कटा है ना, 55 करना आपको 3, 53 और 53। आवाज कट रहा है आप लोग का, 8427। देखो ये क्लियर हुआ कैसे हम लोग को सॉल्व करना है? यस सर क्लियर हुआ। ओके अब हम लोग ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे यहाँ पे, ठीक है, जो आपके एक्सरसाइज में दिया गया है, तो इस क्वेश्चन को इरेज कर रहे हैं फिर हम लोग। सबका हो गया ना, सबने कॉपी कर लिया? हाँ सर। ओके चलो, सबको समझ में भी आ गया ये कॉन्सेप्ट कैसे कैसे करना है हम लोग को? यस सर। ओके ओके चलिए, अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में बोला गया, सेकंड क्वेश्चन में कैलकुलेट द कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है, कैलकुलेट द कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन रुपीज 15,000 इन टाइम कितना दिया गया है 2 years और 15%, सॉरी यहाँ पर 18,000 है इन 2 years एट 18% रेट ऑफ इंटरेस्ट। चलो ये क्वेश्चन बनेगा आपसे, देखिए तो ये क्वेश्चन बनेगा? हाँ सर। यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट को 15 कर लो, ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है 15% है और हमारा जो प्रिंसिपल है वो कितना है 18,000, क्लियर हो रहा है सबको? और टाइम यहाँ पे 2 years दिया है। अब आराम से बनाइए, यहाँ पे देखिए अमाउंट निकालने के बाद आपको फिर सीआई निकालना पड़ेगा, तो अमाउंट माइनस प्रिंसिपल करना पड़ेगा, ठीक है, यहाँ पे सिंपली पहले हम लोग को अमाउंट निकालना पड़ेगा, तो हमारे पास क्या गिवन है, तो प्रिंसिपल गिवन है 18,000, हमारा एन जो है ओवर 2 years है, हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 15%, तो क्वेश्चन में पहले अमाउंट निकालना होगा फिर सीआई हम लोग निकालेंगे। तो अमाउंट का कॉन्सेप्ट हम लोगों ने देखा, पी ब्रैकेट ऑफ 1 + r/100 टू द पावर n, बोलो समझ में आया सबको? तो यहाँ पे देखो अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल कितना है 18,000, फिर 1 + r का वैल्यू कितना 15/100 टू द पावर n का वैल्यू क्या ले रहे 2 years, ठीक है, तो अमाउंट इज इक्वल टू फिर से चेक करेंगे हम लोग, तो 18,000 यहाँ पे अगर इसको सॉल्व करें देखो यहाँ पे भी सॉल्व हो जाएगा, यहाँ पे आएगा 3, यहाँ पे आएगा 20, ठीक है, तो अब इसके बाद जब हम लोग 1 + 3/20 को ऐड करेंगे आंसर कितना आ जाएगा 23/20^2, बोलो समझ में आया सबको? यस सर। अब यहाँ पे क्या करना है, तो 18,000 यहाँ पे सीधा 23/22 को हम लोग 2 बार लिख देते हैं, स्क्वायर का मतलब ही क्या होता है, एक नंबर को 2 बार मल्टीप्लायर फॉर्म में लिख सकते हैं हम लोग। अब देखिए इसका 2 0, इसका 2 0 कैंसिल हुआ, ओके, अब यहाँ पे ये 2 से ये 180 सॉल्व होगा कितना आएगा 90, फिर ये 2 से ये 90 सॉल्व हो जाएगा कितना आ जाएगा 45, तो चेक करिए 45 × 23 × 23 कितना आ रहा है अमाउंट, चेक करिए अमाउंट
आंसर कितना आ रहा बताइए? 23805 क्या आंसर है? ₹23805 ये एक्चुअली हमारा क्या निकला बोलो तो? ये हमारा निकला अमाउंट, ठीक है। अब हम लोग को कंपाउंड इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट पता है, क्या कॉन्सेप्ट पता है कि CI = A - P, ये हम लोग यूज करते हैं। तो हमारा अमाउंट निकल चुका है 23805 माइनस प्रिंसिपल कितना था 18,000। आंसर कितना आ रहा चेक करिए? 5805 है ना? सबका आंसर है ना? तो ये कॉन्सेप्ट आई थिंक क्लियर हो गया होगा कैसे करना है। सिंपली देखिए, अगर क्वेश्चन में अमाउंट पूछा जाएगा, ठीक है, तो आपको फॉर्मूला यूज करना है A = P (1+R/100^n). यहाँ पे n क्या? नंबर ऑफ टाइम्स, मतलब नंबर ऑफ इयर्स हम लोग जितना ले रहे हैं। इसके बाद क्या करना है, अगर क्वेश्चन में कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा जाएगा, अगर क्वेश्चन में कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा जाएगा तो वैसे क्वेश्चन में भी आपको पहले क्या करना है? अमाउंट निकालना है, ठीक है। वैसे क्वेश्चन में भी आपको क्या करना है? पहले अमाउंट निकालना है, इसके बाद सीआई का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। क्या? तो A - P, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट आपका आ जाएगा, प्रिंसिपल क्वेश्चन में दिया रहेगा, तो सिंपली हम लोग क्या कर सकते हैं, वहां से कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड कर सकते हैं। समझ में आ रहा सबको? यस सर। ओके, ये दो क्वेश्चन क्लियर हुआ ना सबको? यस सर। बाकी सब बच्चे रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं, सबको समझ में आ रहा है तो? यस सर। यस सर। ओके चलिए, अब हम लोग आगे मूव करते हैं ऐसे क्वेश्चन पे, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट हम लोगों ने समझ लिया है, अब ऐसे ही क्वेश्चन पे हम लोग और देखते हैं। चलिए यहाँ पे ये क्वेश्चन हम लोगों ने देख लिया। अब देखिए, एक कॉन्सेप्ट है, उसको आप नोट कर सकते हैं, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट को आप नोट कर सकते हैं। अगर ठीक है, क्या नोट करना है, मान के चलिए कि अगर हम लोग को कंपाउंड इंटरेस्ट या अमाउंट निकालना है, ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट या अमाउंट निकालना है, और अगर 3 इयर्स के लिए निकालना है, मान के चलिए क्या निकालना है, 3 इयर्स के लिए निकालना है, तो वो अगर 3 इयर्स का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो हर साल अगर चेंज हो रहा है, मतलब फर्स्ट ईयर में मान के चलिए रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% था, सेकेंड ईयर में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है अगर वो 12% है, थर्ड ईयर में रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर 15% है, तो वैसे कंडीशन पे हम लोग कौन सा कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे, यहाँ पे हम लोग यहाँ समझते हैं, ठीक है। तो सिंपली हम लोग क्या यूज करते हैं, तो अमाउंट, अगर हम लोग ये नोट करें, हेडिंग क्या लिख सकते हैं आप, हेडिंग लिखिए कि व्हेन द रेट ऑफ सक्सेसिव ईयर्स आर डिफरेंट। नोट करके क्या लिख सकते हैं, फॉर द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ सक्सेसिव ईयर, सक्सेसिव ईयर आर डिफरेंट। अगर हर साल आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है अगर वो चेंज हो रहा है, अलग हो रहा है, तो वैसे केस में यहाँ पे देख रहे पॉइंट क्या लिखा हुआ है, फॉर द रेट ऑफ सक्सेसिव ईयर्स आर डिफरेंट। हर साल अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो रहा है, अगर आपका चेंज हो रहा है, तो उस कंडीशन पे आपका जो अमाउंट होगा वो क्या होगा बोलो? अमाउंट इज इक्वल टू P(1+), ये हम लोग यूज कर रहे, देखो R1/100, ये R1 क्या है हमारा, रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर, क्लियर हुआ, फिर इनटू 1+R2/100, ये R2 क्या है बोलो, रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर सेकंड ईयर। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं R1 R2, यहाँ पे हम लोग ये लिख सकते हैं R1 R2 R3, ये ऐसे चल रहा है, ठीक है। यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो सक्सेसिव ईयर्स के लिए डिफरेंट है, वो डिफरेंट कैसे है, तो R1 R2 R3, फिर यहाँ पे थर्ड ईयर के लिए हम लोग निकालेंगे तो R3/100। ये समझ में आया सबको? हाँ सर। ठीक है, ये क्लियर हो गया ना? अब जब अमाउंट आपका आ जाएगा, अगर ऐसे केसेस में जब रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग हो, ठीक है, ऐसे केसेस में जब रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो आपका अलग हो हर साल का, मतलब हर ईयर में आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज हो रहा है, तो पहले आपको निकालना है अमाउंट,
अमाउंट निकालने के बाद आप क्या कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल पाएंगे? अगर आपका अमाउंट आ चुका होगा तो क्या आप कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल पाएंगे इससे? यस सर। निकाल पाएंगे ना? ओके, तो ये कॉन्सेप्ट को आप नोट कर लीजिए, फिर हम लोग क्वेश्चन देखते हैं इस पर, इस पॉइंट पे क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, कॉन्सेप्ट को नोट करिए, यहाँ पे क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं। कैलकुलेट द अमाउंट, कैलकुलेट द अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है, सी आई ऑन रुपीज 12,000 इन थ्री इयर्स, इन थ्री इयर्स व्हेन द रेट ऑफ इंटरेस्ट, व्हेन द रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटरेस्ट फॉर सक्सेसिव ईयर, फॉर सक्सेसिव ईयर्स आर 8%, 10% एंड 15%। ये क्वेश्चन आपके पास दिया गया है। देखिए क्वेश्चन में क्या बोला गया है, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन में बोला है कैलकुलेट द अमाउंट, आपको क्या निकालना है, अमाउंट निकालना है, और उसके बाद क्या निकालना है, कंपाउंड इंटरेस्ट सीआई भी निकालना है। ठीक है, कैलकुलेट द अमाउंट एंड सीआई ऑन रुपीज 12,000, ये 12,000 आपके लिए क्या दिया गया है, प्रिंसिपल, यहाँ पर टाइम कितना दिया गया है, थ्री इयर्स के लिए, और रेट ऑफ इंटरेस्ट आप चेक कर सकते हैं, फर्स्ट ईयर के लिए 8%, सेकेंड ईयर के लिए 10% और थर्ड ईयर के लिए 15%। क्लियर हो रहा है? तो आपका देखिए सक्सेसिव ईयर्स मतलब फर्स्ट ईयर के लिए 8% आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है, सेकेंड ईयर के लिए आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया गया है 10%, और थर्ड ईयर के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया गया है 15%। आपके पास प्रिंसिपल है, कितना दिया गया प्रिंसिपल 12,000, तो आपको क्या फाइंड करना है, अमाउंट एंड सीआई, क्या आप निकाल पाएंगे, बनेगा आपसे? यस सर। ओके, ट्राई करिए आप लोग, ये पॉइंट नोट कर लिया है आप लोगों ने, सभी बच्चों ने पॉइंट नोट कर लिया? ओके हाँ सर। यस सर। ओके, इरेज कर रहे हैं फिर हम लोग, रफ कर रहे हैं इसे। चलिए ट्राई करिए, फिर हम नहीं बनेगा तो फिर मैं बताऊंगा। ट्राई करिए आराम से। बना सबसे? क्वेश्चन समझ में आया सबको? यस सर। हाँ सर, बना रहे। ओके ओके, ट्राई करिए फिर मैं बताऊंगा आपको। ठीक है, जो बच्चे ट्राई कर रहे हो ट्राई करिए, जिनका नहीं हो रहा है या जिनको समझ में नहीं आ रहा है, यहाँ पर हम लोग देखते हैं। देखो क्वेश्चन में हमारा प्रिंसिपल दिया गया है कितना, रुपीज 12,000। ओके, रेट ऑफ इंटरेस्ट फर्स्ट ईयर के लिए 8%, सेकेंड ईयर के लिए 10% और थर्ड ईयर के लिए हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 15%। तो हम लोगों ने अभी एक फॉर्मूला देखा है, अमाउंट इज इक्वल टू पी ब्रैकेट ऑफ 1 प्लस आर 1 बाई 100, फिर 1 प्लस R2 by 100, फिर into 1 plus R3 by 100। अगर rate of interest 4, 5, 5th, 6th year के लिए दिया जाएगा, तो
तो हम लोग यहाँ पे 1 प्लस आर फोर बाई हंड्रेड, 1 प्लस आर फोर, ये ऐसे कंटिन्यू रहेगा, ठीक है। हम लोग एन ईयर्स के लिए हम लोग ऐसा फाइंड कर सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे थ्री ईयर्स के लिए बोला गया, तो आर वन आर टू और आर थ्री हम लोग यहाँ पे लेते हैं। अब देखिए हमारा अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल क्या दिया गया है, 12,000। फिर देखिए यहाँ पे 1 प्लस आर वन कितना है, 8 बाई हंड्रेड इंटू, यहाँ पे चेक करिए 1 प्लस 10 बाई हंड्रेड, यहाँ पे चेक करिए आंसर क्या आएगा, 1 प्लस 15 बाई हंड्रेड। अगर आप चाहें, ठीक है, अगर आप चाहें तो सिंपली इसको ऐड करके बाई हंड्रेड करके लिख सकते हैं, वो इजी भी होगा आपके लिए। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं अमाउंट इज इक्वल टू 12,000, यहाँ पे चेक करिए आएगा 108 बाई हंड्रेड, यहाँ पे चेक करिए 1110 बाई हंड्रेड, इसके बाद यहाँ पे आ जाएगा 115 बाई हंड्रेड। ये समझ में आ रहा सबको यहाँ तक? सिंपली मैंने क्या किया, ब्रैकेट वाले पार्ट को ऐड करके लिखा, ठीक है। तो 108 बाई हंड्रेड, 110 बाई हंड्रेड और 115 बाई हंड्रेड, यहाँ तक कोई डाउट आई थिंक नहीं होना चाहिए, ठीक है। देखिए यहाँ पे इसका थ्री जीरो, इसके थ्री जीरो से कटेगा, फिर इसका 10 इसके 10 से कटेगा। अब देखिए बचा क्या है, ऊपर में बचा 108, यहाँ बचा 11 और यहाँ बचा 115। अब देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं, 5 के टेबल से इसको सॉल्व कर रहे हैं। ये 5 के टेबल से ये कटेगा 23 बार में और ये कटेगा 20 बार में। क्लियर हो रहा है सबको? समझ में आया सबको? ओके, अब इसके बाद 2 के टेबल से काटिए 10 बार में, 2 के टेबल्स में ये कटेगा 6 बार में। बोलो समझ में आया? तो देखिए क्या क्या बचा है, 6, यहाँ पे बचा 108, यहाँ बचा 11 और यहाँ बचा 23 और नीचे में एक बचा है 10। तो सिंपली सबको मल्टीप्लाई करके डिवाइड करिए 10 से, आपका देखिए अमाउंट कितना आ रहा है। सर अमाउंट आ रहा है 16,394.4। ठीक है, हम लोग यहाँ पे देखते हैं, अगर हम लोगों ने सारे नंबर्स को मल्टीप्लाई कर दिया, अगर मैं बताऊं अमाउंट इज इक्वल टू क्या क्या बचा बोली, तो 6 इंटू 108 इंटू 11 इंटू 23 बाई 100 बचा। तो अगर हम लोग अमाउंट यहाँ पे मल्टीप्लाई करके डिवाइड करें 10 से, आंसर क्या आया बताइए, 16,394.4, है ना, ये हमारा अमाउंट आ चुका है। बोलो सबको क्लियर हो रहा है ये कॉन्सेप्ट, यहाँ पे किसी को डाउट है? अमाउंट हमारा क्या निकला, ये पूरा 16,394.4 माइनस 12,000, आंसर कितना आ रहा, 4,394.4, है ना, कंपाउंड इंटरेस्ट आ रहा है इतना और ये हमारा अमाउंट आ चुका। सबको क्लियर हुआ है कॉन्सेप्ट? हाँ सर। ओके चलिए, अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है तो हम लोग अब ऐसे क्वेश्चन पे और प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है, इरेज करते हैं, किसी को नोट डाउन करना है? ओके, तो हम लोगों ने ऐसे क्वेश्चन को भी देख लिया, अगर सक्सेसिव इयर्स के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर अलग अलग हो तो वैसे केसेस में हम लोग क्या फॉर्मूला या क्या कॉन्सेप्ट यूज करेंगे वो हम लोगों ने समझ लिया, ठीक है। अब ऐसे क्वेश्चन को हम लोग बना पाएंगे आराम से, है ना। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन और, अब हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन देख रहे हैं। क्वेश्चन देखिए बोला गया है, व्हाट सम ऑफ मनी विल अमाउंट टू रुपीज 3,630, ओके, इन टू ईयर्स एट 10% पर एनम। देखिए ये जो क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं इसमें देखिए क्वेश्चन में प्रिंसिपल नहीं दिया गया है, यहाँ क्वेश्चन में अमाउंट दिया गया है। आपको क्या करना है, फाइंड करना है प्रिंसिपल, ठीक है।
क्वेश्चन समझ में आ रहा है आपको? हाँ सर। ठीक है, क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में क्या है, प्रिंसिपल आपका नहीं दिया गया है, इसमें क्वेश्चन में प्रिंसिपल ही फाइंड करना है और क्वेश्चन में अमाउंट आपके पास गिवन है। अमाउंट कितना गिवन है? 3630। आपके पास एन मतलब टाइम या एन जो भी बोल सकते हैं, ठीक है, एन या टी बोल सकते हैं कुछ भी, तो एन का वैल्यू 2 ईयर्स दिया है ना, और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 10%। तो यहाँ से आपको क्वेश्चन में क्या फाइंड करना है बोलिए? पी निकालना है, आपका जो प्रिंसिपल है वो फाइंड करना है। ये बनेगा आपको? एक कॉन्सेप्ट हम लोग ऑलरेडी पता है, इज इक्वल टू ब्रैकेट में 1 + r/100 to the power n। देखिए हमारे पास अमाउंट है, हमारे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट है, हमारे पास टाइम भी दिया गया है, सिर्फ यहाँ से पी निकालना है। पी निकलेगा यहाँ से आपका? यहाँ से पी निकलेगा? हाँ सर। चलिए ट्राई करिए आप लोग, जिन बच्चों का जो भी आंसर आ रहा है प्लीज कमेंट करिए। सबको समझ में आ रहा है ये कॉन्सेप्ट? इस क्वेश्चन में देखिए अमाउंट आपके पास गिवन है, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपके पास गिवन है, आपके पास टाइम भी गिवन है, क्या निकालना है आपके, आपको प्रिंसिपल निकालना है, पी फाइंड करना है। ठीक है, इस क्वेश्चन से आपको, इस इक्वेशन से आपको क्या निकालना है? पी फाइंड करना है। आपके पास सारे डाटा गिवन है, आपको क्या निकालना है? पी। सबसे बनेगा ये क्वेश्चन? ओके, अहन आप आंसर कर सकते हैं कमेंट अनम्यूट करके। सर प्रिंसिपल सर 3000 हो रहे हैं। यस, अहन का आंसर आ चुका है, 3000 आंसर आ रहा है। सबको क्लियर हुआ ये कॉन्सेप्ट? यस सर। हमारा यहाँ पे देखिए अमाउंट जो है वो क्या है, 3630 इज इक्वल टू पी का वैल्यू छोड़ दीजिए, 1 + रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 10 है, बाय 100 to the power 2। बोलो समझ में आया सबको? तो 3630 इज इक्वल टू पी ब्रैकेट में, इसको अगर सॉल्व करेंगे देखिए आंसर कितना आ जाएगा, 1/10, और यहाँ पे 1 है, तो 1 + 1/10 कितना आता है, 11/10 to the power 2। समझ में आ रहा सबको ये कॉन्सेप्ट? क्लियर हुआ? देखिए 10/100 है तो इसका 1010 कैंसिल हुआ, तो 1 + 1/10 कितना बचेगा, जो सॉल्व करेंगे तो 11/10 आएगा। तो सिंपली 3630 इज इक्वल टू प्रिंसिपल। अब देखो होगा क्या, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो 11/10 फिर यहाँ पे आएगा 11/10। समझ में आया सबको? हाँ सर। समझ में आया? अब देखिए यहाँ पे 11 का टेबल से ये 3630 ये सॉल्व होगा, दिख रहा है आपको? ये कितने बार में सॉल्व होगा बोलो? 33 बार में सॉल्व हो जाएगा, तो इसका एक जीरो है तो 330 आएगा। समझ में आ रहा? 11 के टेबल से जब इसको सॉल्व करेंगे आएगा 330। इसके बाद फिर हम लोगों ने क्या किया, इस 11 को फिर से सॉल्व किया इससे, तो आया आपका 30। तो ये 30 और यहाँ पे देखिए 10, ये 10 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 30 × 10 × 10, तो यहाँ आपका क्या बचा प्रिंसिपल? आपका प्रिंसिपल कितना आ गया? 3000। सबको क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट? यस सर। सबको समझ में आया कैसे आया? यस सर। 3000 कैसे आया, सबको सबको आया समझ में? यस सर। ओके, क्लियर हुआ ना कैसे निकालना है हम लोग को? क्वेश्चन में देखिए अमाउंट भी पूछ सकता है, क्वेश्चन में आपको प्रिंसिपल भी पूछ सकता है, क्वेश्चन में आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट भी पूछ सकता है, क्वेश्चन में आपको टाइम भी पूछ सकता है। हम लोग सारे टॉपिक को 1 by 1 कवर कर रहे हैं, ठीक है? तो यहाँ पे सेकंड टाइप हम लोगों ने देख लिया, जिस क्वेश्चन में हम लोग को प्रिंसिपल निकालना था, हम लोगों ने टाइप 2 देख लिया, ठीक है? जितना भी क्वेश्चन अभी हम लोग पहले सॉल्व कर रहे थे, सारे क्वेश्चन में आपको अमाउंट निकालना था, सारे क्वेश्चन में आपको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना था। इस क्वेश्चन में क्या था, आपको अमाउंट गिवन था, आपको क्या निकालना था, प्रिंसिपल। तो ऐसे सारे टॉपिक को हम लोग कवर कर रहे हैं, जिसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा जाएगा, जिसमें आपको टाइम पूछा जाएगा, तो वैसे टाइप बाय टाइप हम लोग सारे क्वेश्चन को देखेंगे, और जो भी क्वेश्चन नहीं बनेगा आपसे, ठीक है, हम लोग उसको फिर मिलकर सॉल्व करेंगे। क्लियर हो रहा है? सबको समझ में आया? हाँ सर। यस सर। तो ये टाइप समझ में आ गए, जब अमाउंट आपके पास गिवन हो और प्रिंसिपल आपको निकालना पड़े, तो ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो चुका है। चलिए अब हम लोग समझते हैं एक दूसरा टाइप का क्वेश्चन को। यहाँ पे ये टाइप तो हम लोगों ने देख लिया,
चलिए एक क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं टू फाइंड हाउ टू फाइंड रेट ऑफ इंटरेस्ट. यहाँ पे देखिए क्वेश्चन बोला गया है एट व्हाट रेट परसेंट पर एनम सीआई विल रुपीज 2000 ओके अमाउंट टू रुपीज 2315.25 इन थ्री इयर्स. बोलो समझ में आया सबको. इस क्वेश्चन में आपको क्या फाइंड करना है बोलो, रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड करना है. ठीक है, इस क्वेश्चन में आपको क्या फाइंड करना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड करना है. आपके पास क्या क्या गिवन है बोलो. आपके पास ये गिवन है, आपके पास अमाउंट गिवन है और आपके पास टाइम गिवन है ना. क्लियर हो रहा है कॉन्सेप्ट, इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ. हेलो. हाँ सर. At what rate percent per annum CI will to this in 2 years? No, देखो यहाँ पे क्वेश्चन देखो क्या बोल रहे हैं. At what rate percent per annum CI, ये जो मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको निकालना है वो क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा, CI का आपको क्वेश्चन पूछ रहा है. 2000 एक्चुअली हमारा प्रिंसिपल होगा. ठीक है, 2000 हमारा क्या होगा, प्रिंसिपल होगा एक्चुअली. तो हमारे पास गिवन है प्रिंसिपल है रुपीज 2000, अमाउंट गिवन है रुपीज 2315.25 और एन गिवन है कितना 3 इयर्स. दिख रहा है क्वेश्चन में एक्चुअली बोला गया रेट ऑफ इंटरेस्ट मतलब परसेंट पर एनम ऑन सीआई, मतलब सीआई का रेट बताना है. ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या निकालना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट आर का वैल्यू निकालना है. समझ में आया. एक्चुअली ये 2000 क्या दिया है, प्रिंसिपल दिया है. अमाउंट क्या है 2315.25, एन का वैल्यू मतलब जो टाइम है वो कितना दिया गया 3 इयर्स. तो क्वेश्चन में क्या निकालना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट बनेगा. ये क्वेश्चन बनेगा आपसे. इस फॉर्मूला से यहां से आप निकाल सकते हैं आप. बोलिए. हेलो. यस सर, ये क्वेश्चन बनेगा इस फॉर्मूला से. देखिए आपके पास अमाउंट है, आपके पास प्रिंसिपल है, आपके पास नंबर ऑफ इयर्स जो है एन का वैल्यू वो भी गिवन है. तो क्या इस क्वेश्चन को आप बना पाएंगे आप? यस सर. अमाउंट का वैल्यू देखिए पॉइंट हटाएंगे नीचे में 100 आएगा और यहाँ पे 3 है, यहाँ पे इस तरफ इसको शिफ्ट करेंगे तो ये क्यूब रूट हो जाएगा. ठीक है, ये क्यूब रूट हो जाएगा 2315.25 भाई. यहाँ पे कितना आ जाएगा, इज इक्वल टू 1 + r/100. अब देखिए ये क्यूब रूट ऑफ 2315.25 आवाज आ रहा है, अनम्यूट कर लो. अब इसका क्यूब रूट कैसे निकलेगा बताओ. अभी कैसे होगा ये बताओ, ये बनेगा आपसे सर 9261/8000 का क्यूब रूट होगा. 9261 ऐसा तो कुछ नहीं होगा. अभी एक बच्चे ने बोला रेट ऑफ इंटरेस्ट, उसने फाइंड कर लिया. कितना है पर रेट ऑफ इंटरेस्ट बताइए सर. 5% 5% ओके. कैसे निकाला ये बताइए फिर
सर वही वो वाला कैंसिल करके 25 से दोनों साइड। ठीक है वेट करिए, हम क्या पूछना चाह रहे हैं देखिए, क्या ये तो क्यूब रूट में अभी पता नहीं चल रहा, तो इसको हम लोग सिंपल वे में सॉल्व कर सकते हैं, बट थोड़ा सिंपलीफाई कर सकते हैं। ठीक है तो 5 के टेबल से पहले इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, है ना। तो ये 231525 बाय 200000 ये का पावर 1/3 इज इक्वल टू 1 प्लस r बाय 100, ये लिख सकते हैं सर, बोलो। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, अब 5 के टेबल से सॉल्व करो तो कितना आएगा, 4 6 3 5 और यहां नीचे क्या आएगा बोलो, 4 ये देखो समझ में आ रहा सबको, कुछ ऐसा आएगा। देखो तो 5 के टेबल से मैंने ऊपर वाले पॉइंट को सॉल्व किया, आ रहा 4635 और नीचे में कितना आ रहा है 400000। और कुछ सॉल्व होगा ये क्या, 5 से फिर से सॉल्व करो इसको, ये आ जाएगा 8 के बाद नहीं सॉरी 9 45 जाएगा 13 2 37 3 9 2 7 और इसको सॉल्व करो कितना आ रहा है 8000। 8000 तो 20 का क्यूब है, 9 2 7 किसका क्यूब है बताओ, यहाँ पे दिख रहा है आपको 231525 को मैंने सॉल्व किया 5 से, चेक करो तो यहाँ पे 231525 को मैंने जब सॉल्व किया 5 से क्या आ रहा है, तो 4 जा 20 31 6 जा 30 11 50 तो 3 15 सॉल्व हुआ। अच्छा यहाँ पे 6305 होगा, 6305 आएगा, तो 6305 आएगा तो हम लोग यहाँ पे 9 आ गया 213 आ गया 10 यहाँ पे 6 पाए